हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने ये नाइट लैंप बनाया है। ये 2-in-1 है, ये आपका फ़ोन चार्ज भी करेगा। चलो देखते हैं वीडियो कैसे बनाया गया है। वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैंने एक गमला लिया है और ये देखिए, मैंने इसके किनारे काट दिए हैं। या मेरे पास 2 गमले थे, अंदर से साफ कर लिया है। ये एक 3 वोल्ट की एक बल्ब LED है जिसका हम यूज़ करेंगे। हमारे गमले के हिसाब से मैंने एक कागज़ का टुकड़ा काट लिया है और इसके ऊपर हम अब फेविकोल लगाएंगे अच्छे से। फेविकोल को हमें उंगली से पूरे पे उसको चिपका देना है, एक भी कोना बाकी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारा उखड़ जाएगा, अच्छे से चिपकेगा नहीं। फिर इसको उठा करके हम एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर चिपका देंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये गमला ना मिले, आप प्लास्टिक का गिलास भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गमला ही ले। एल्युमिनियम फॉइल का जो एक्स्ट्रा भाग है, हम उसको सीजर की मदद से काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको काट लिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसके अंदर जो हमारा गमला था, इसके अंदर हम फेविकोल लगाएंगे ताकि हम इसको अच्छे से चिपका सके। ऐसे ही करके हमें इसको सारे में फैला लेना है उंगली से। देखिए, सारे में फैल चुका है। अब आसानी से इसके ऊपर ये चिपक जाएगा, आराम से चिपकाना है। देखिए, मैंने इसको चिपका दिया है। ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा भाग है, वो मैंने इसको काट दिया है, जो भी देखने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखिए, मैंने एक PVC शीट ली है जो कि 4 mm मोटी है। इसी शीट से मैंने कुछ टुकड़े काट लिए हैं और ये 2 टुकड़े जो है, ये मैंने जोड़ के एक मोटे वाला बना लिया है। हम इसको ऐसे कब्जे की तरह यूज़ करेंगे। हमारा जो गमला है, हम उसके नीचे की तरफ 2 पीस चिपका देंगे इसमें से, ऐसे करके चिपकाने हैं बीच सेंटर में बिल्कुल। हमारा जो ये मोटे वाला टुकड़ा है, वो इनके बीच में रख के चिपकाना है, नहीं तो ये इसकी हिसाब से नहीं चिपकेगा, कम ज़्यादा चिपक जाएगा। ये देखिए, इसमें आराम से जो है मूव कर रहा है। ये बिजली फिटिंग में जो पाइप यूज़ होता है, उसी का ये बैंड है। हमें ये बैंड लेना है और ये मैंने इसको आधा ऊपर से काट लिया है। ये PVC शीट का एक गोला लिया है मैंने, इसको ऊपर से मुंह बंद कर दिया है बैंड का। फिर भी किक से मैंने इसको चिपका दिया है। बाहर निकला हुआ जो भाग है, वो मैंने कैंची से काट दिया है। इसको काटने के बाद हमें इसको इसके किनारे घिस लेने हैं ताकि इसकी ये गोल शेप में आ जाए बिल्कुल, और बाहर भी ना रहे। देखिए, मैंने अच्छे से इसको साफ कर लिया है सैंड पेपर द्वारा। ये इसका बैंड भी हम साफ कर लेंगे। अब जो हमारा मोटे वाला टुकड़ा जो बचा हुआ था, हम इसके ऊपर रख के फेविक्विक डाल देंगे। देखिए, चिपक चुका है, इसमें ऐसे करके ये लग जाएगा। LED बल्ब की जो हीट सिंक होती है, वो मैंने यूज़ किया इसमें और थोड़ा सा इसको किनारे से काट दिया है ताकि हमारी जो ये वायर है, वो इसके अंदर अंदर से आ सके, बाहर इससे ना निकले। देखिए, जो हमारी वायर है, वो इसके अंदर अंदर बिल्कुल आराम से आ रही है, बाहर नहीं निकल रही। हमें वायर निकालने के लिए यहाँ पे एक छेद करना पड़ेगा। एक पेंच लेके हमें हीट सिंक के नीचे से डाल के सीधा ऊपर LED में लगा देना है। लगाने के बाद इसको अच्छे से कस देना है कि इसमें अच्छे से फिट हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, हमने जो उसको हीट सिंक थोड़ा जो काटा था, वहाँ को हमारा जो है वायर आराम से नीचे आ जाएगा। हमने इसमें भी एक छेद कर दिया है गमले में भी, उसमें वायर निकाल के हम दूसरे साइड से निकाल लेंगे और LED को अच्छे से इसमें फिक्स कर देंगे। जो
जो बिल्कुल आराम से इसमें फिक्स हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से बराबर आनी चाहिए चारों तरफ से। फेविक्विक डाल के हम इसको अच्छे से चिपका देंगे और इन टुकड़ों को हम आराम से सही बिठा के बिल्कुल एक निशान मार लेंगे ताकि हम इसमें एक होल कर सके। देखिए मैंने इसमें होल कर दिया है और इसमें हम एक नट बोल्ट लगा देंगे। देखिए वार्चर लगा के दो नट लगा देने हैं ताकि ये बाद में खुले ना, आपस में इनको टाइट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। ये बिजली फिटिंग का ही मैंने एक पाइप लिया है जो कि 12 इंच का है, आप देख सकते हैं, यानी कि एक फिट का। इसमें से हम अंदर से वायर निकाल के सीधे इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये मैंने एक और टुकड़ा लिया है पीवीसी पाइप का और आप इसका जो साइज है वो देख सकते हैं। देखिए और दो मैंने इसके जो है ढक्कन भी काट लिए हैं, एक नीचे का और एक ऊपर वाला। देखिए मैंने एक पावर बैंक मॉड्यूल लिया है जो छोटे वाला होता है और एक कम ज़्यादा रोशनी करने के लिए रेगुलेटर, और इन दोनों के हिसाब से मैंने इसमें कटिंग कर ली है। और इसमें जो हमारा जो नीचे का ढक्कन था उसको हम चिपका लेंगे फेविक्विक द्वारा। देखिए हमने चिपका लिया है, थोड़ा और डाल देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और जो ऊपर वाला ढक्कन है उसमें हम एक इंची पाइप का निशान मार देंगे और उसको बीच में से काट देंगे। देखिए मैंने इसको काट दिया है। पाइप के नीचे की तरफ हम एक इसमें एक होल कर देंगे ताकि हम इसमें वायर निकाल सके। ये देखिए पहले ढक्कन को घेर डाल के इसमें हमने वायर निकाल लिया है नीचे से और इसमें हम सीधा करके फेविक्विक डाल देंगे। सीधा करके हमें इसको चिपका देना है और पीछे की तरफ भी नीचे की इसमें फेविक्विक डाल देंगे ताकि दोनों तरफ से ये मजबूत हो जाए। पावर बैंक मॉड्यूल के साथ हमारी जो लैपटॉप की बैटरी है उसके हम जो है कनेक्शन कर देंगे आपस में। मैंने सभी कनेक्शन कर दिए हैं, डायग्राम में आप देख लेना कैसे कैसे कनेक्शन है, बिल्कुल आसान है। मॉड्यूल के नीचे हम थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और ये देखिए थोड़ा सा बाहर निकाल के हमको उसको यहीं पे पकड़ लेना है और आस पास में ऊपर की तरफ भी हम इसमें ग्लू स्टिक लगा देंगे, ये अच्छे से जाम हो जाएगा। फिर और इन बैटरियों के नीचे भी हम थोड़ा सा जो है ग्लू स्टिक लगा देंगे, ये भी अच्छे से चिपक जाएगी। ये देखिए अब ये हमारा रेगुलेटर बचा हुआ है, हम इसको भी फिक्स कर देंगे। अब हमें ऊपर का ढक्कन चिपकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सभी कंपोनेंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्लू स्टिक डाल देंगे ताकि इसके ऊपर चिपक जाए। देखिए मैंने सभी के ऊपर ग्लू स्टिक डाल दिया है ताकि आसानी से इसके ऊपर चिपक जाए। ये देखिए दोस्तों हमारा लैंप कुछ ऐसा बन गया है। मेरे पास एक डब्बा पड़ा हुआ था, हमें इसको ढक्कन यूज़ में लेना है और इसके ऊपर इसको चिपका देना है। इसकी चारों ओर मार्किंग करके हमें इसको जो है काट लेंगे। देखिए मैंने इसको काट लिया है, फेविक्विक से हम इसको चिपका देंगे। देखिए मैंने इसको चिपका दिया है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बार मैंने इसमें ग्लू स्टिक भी लगाया है। हमारा लैंप जो है बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने इस पर कलर कर लिया है, वाइट कलर किया है मैंने इस पर, अच्छा लग रहा है देखने में भी। और आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं लाइट चालू है इसलिए इसकी ब्राइटनेस जो है कैमरे पर शो नहीं हो रही है। आपको मैं अंधेरा करके जो है इसकी जो ब्राइटनेस है वो चेक करके दिखाऊंगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चे आसानी से इसमें रात में जो है पढ़ सकते हैं। देखिए कितना साफ, बिल्कुल अच्छा से दिख रहा है। और इसको हम ऐसे घर में भी यूज़ में ले सकते हैं रोशनी के लिए। देखिए कम ज़्यादा करने के लिए इसमें, ये पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे देखो आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं। देखिए मैं इसको ब्राइटनेस बढ़ाता जा रहा हूँ, ज़्यादा ब्राइटनेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले नंबर की काफ़ी है बच्चों के लिए। और जो हमने इसमें पावर बैंक मॉड्यूल लगाया था, इससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। ये मैं देखिए आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आसानी से जो है हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज हो रहा है। इसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं आप, और इसके साथ साथ आप अपना मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया।